हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला के आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर को, जिसमें हम कवर करेंगे 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, इस बार जो है हम करंट अफेयर के पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हर बार मैं आपको करंट अफेयर में केवल थ्योरी पोर्शन ही पढ़ाया करता था, लेकिन इस बार थ्योरी के साथ साथ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप जो है किस प्रकार का इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और उस प्रश्न के किस प्रकार के आंसर हो सकते हैं, ये आपको समझने में आसानी हो। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पीएससी का पेपर आया है और उसमें जो है किस प्रकार से ऑप्शन लिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है आपके थ्योरी के साथ साथ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर भी जोर देंगे। तो ये जो हमारी जो नई शुरुआत है थ्योरी पोर्शन के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला, ये आप लोगों को कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला जो नया पैटर्न चालू किए हैं इसी के साथ आगे कंटिन्यू करें, या जिस प्रकार से हम पहले पढ़ रहे थे वो अच्छा था, उसके बारे में नीचे कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते जरूर है, लेकिन ये जो इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया किया जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आप समय निकाल करके वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रदेश सरकार के द्वारा कितने धान की खरीदी की गई। सबसे पहले तो आपका ध्यान यहीं पे जाना चाहिए कि आपका कौन सा वर्ष पूछ रहा है। अक्सर हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा डाटा इस प्रेजेंट ईयर में कितना आपका खरीदी किया गया, उसको हम माइंड में एकदम रट के बैठ जाते हैं, लेकिन अक्सर जो है यहीं पर चेंज कर देता है। आप बैठे हुए हैं पढ़ करके 2021-22, उसने प्रश्न पूछ दिया है 2020-21, और यहीं पर जो है बहुत से लोगों का गलती हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साल जो खरीदी किया गया वो कौन से विपणन वर्ष के लिए था, वो था आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। प्रदेश सरकार के द्वारा कितने धान की खरीदी की गई, 92 लाख मैट्रिक टन, 94 लाख मैट्रिक टन, 96 लाख मैट्रिक टन या 98 लाख मैट्रिक टन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा आपके 98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो एग्जैक्ट में है आपका 97.97 लाख मैट्रिक टन, इतनी धान की खरीदी की गई। इसे ही राउंड फिगर में आपका कहा जा रहा है 98 लाख मैट्रिक टन। ऑप्शन में अगर 97.97 दिया तो आप उसको लेंगे, अगर राउंड फिगर में दिया है तो 98 लाख मैट्रिक टन आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न और उसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम डिटेल में देखें तो ध्यान दीजिएगा, धान खरीदी कौन से विपणन वर्ष के लिए है, विपणन वर्ष 2021-22। आपको बार बार बता रहा हूं कि ये विपणन वर्ष को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जिस प्रकार से पीएससी का प्रश्न पूछा गया है तो आपके लिए साल क्या साल, डेढ़ साल, दो साल का भी करंट अफेयर आपके लिए कम है। जैसे कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कब हुआ, ये वर्ष 2019 का प्रश्न था और इसे इस साल पूछा गया है, ठीक है, डेट के साथ पूछा गया था। तो अब जो है करंट अफेयर, ऐसा मत सोचिए कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने में या साल भरे का अगर हम कोई बुक ले लेंगे तो सफिशियंट है, आपके लिए डेढ़ साल दो साल का भी करंट अफेयर कम पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो धान खरीदी का जो डेट निर्धारित किया गया था वो था 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लास्ट में देखिए क्या हुआ था कि जनवरी के समय जो है हमारे प्रदेश में वर्षा हो गई थी, यानी कि काफी बारिश हुई थी, जिस कारण से बहुत से किसान अपने धान नहीं बेच पाए थे, इसलिए इसकी अवधि जो है 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। और आपका इसका जो नया डेट है वो है 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2022 तक हमारे प्रदेश में धान की खरीदी की गई। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 105 लाख मैट्रिक टन, लेकिन इस लक्ष्य को हम पा नहीं सके। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा 97.98 लाख मैट्रिक टन या 98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश सरकार को धान बेचने के लिए कुल 24.05 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन कराया था, लेकिन धान बेचने के लिए पहुंचे कितने लोग, 21.77 लाख किसान ही आपका धान बेचे। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार को धान बेचने के लिए कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 24 लाख, ठीक है, 24.05 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कितने लोगों ने बेचा, मात्र 21.77 लाख किसानों ने अपना धान प्रदेश सरकार को बेचा। हमारे प्रदेश में 2484 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य कितने का था, 105 लाख मैट्रिक टन, खरीदी कितना हुआ, 98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। ये जो धान की खरीदी हुई ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हुआ, जहां पर सामान्य धान के लिए आपका 1940 प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए आपके 1960 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। इस धान खरीदी की भी आपकी अधिकतम सीमा थी, एक किसान 1 एकड़ से अधिकतम 15 क्विंटल धान ही बेच सकता था, यानी कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की गई। और ध्यान दीजिएगा, बारदाना मूल्य, अब ये बारदाना क्या होता है, ये काफी चर्चा में रहा और इसको आपको याद रखना है। बारदाना का मतलब
जो आपका बोरी होता है, बोरा होता है, जिसमें धान भर करके बेचा जाता है, ठीक है, धान भरने का जो बैग होता है उसे कहा जाता है बारदाना। इस साल हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये बारदाना संकट से जूझ रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी हो गई थी, ठीक है, किसानों को जो है धान भरने के लिए बोरा नहीं मिल रहा था, तो वही था ये बारदाना। बारदाना जिसका पहले कीमत था आपका 18 रुपए और इसका कीमत बढ़ करके इस साल हो गया था आपका 25 रुपए प्रति नग। तो ये बारदाने के मूल्य को भी याद रखिएगा, इससे ही प्रश्न पूछ सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक धान की खरीदी किस जिले से हुई, ये इस साल पीएससी का प्रश्न पूछा गया था जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए था। ध्यान दीजिएगा, पिछले 2-3 सालों से जो सर्वाधिक धान की खरीदी जो है ये जांजगीर चांपा जिले से की जा रही थी, लेकिन इस साल जांजगीर चांपा को जो है आपका ओवरटेक करके फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले से आपका 8.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जबकि जांजगीर चांपा से 8.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। थर्ड नंबर पर है आपका 7.74 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के साथ महासमुंद। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले 2-3 सालों से कौन था, जांजगीर चांपा, लेकिन इस साल काफी एकदम माइनर डिफरेंस है, 8.25 राजनांदगांव का है, 8.24 किसका है, यह है जांजगीर चांपा का, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका राजनांदगांव, सर्वाधिक धान की खरीदी राजनांदगांव से हुई, जबकि सबसे कम आपकी धान की खरीदी हुई ये हुई आपके दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में मात्र आपका 17,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई। अगर पिछले 5 साल की रिकॉर्ड की हम बात करें, मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा और पीएससी में भी थोड़ा सा आपको काम आ सकता है। इस साल 98 लाख मेट्रिक टन, पिछले साल आपका 92 लाख मेट्रिक टन, उसके पिछले साल 83 लाख मेट्रिक टन, यानी कि आपका विपणन वर्ष 2021-22 में 98, 20-21 में 92 और 19-20 में 83 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई। तो ये एग्जैक्ट कम से कम 2 ठोक को आप याद करके रखिएगा, बाकी पूरा याद कर सकते हैं तो काफी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य शासन द्वारा गठित मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश समिति में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया है। अब ये होता क्या समझिएगा, मानक, मानक का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड को शामिल किए जाने के लिए। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे इस छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल किया जा सके, लेकिन किसी भाषा को उस अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए एक प्रॉपर व्याकरण होना चाहिए और उसमें स्टैंडर्ड वर्डों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि आपका मानक शब्द जो है उसमें शामिल होने चाहिए। तो उन मानक शब्दों को, अभी मानक शब्द होते क्या है आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उस मानक शब्दों को व्याकरण में शामिल करने के लिए मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दों को समिति में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया है। 5 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य, 11 सदस्य। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका 11 सदस्य। अब डिटेल देखिए, ये जो आपका मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है, इसका गठन छत्तीसगढ़ी संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है मानक शब्दों को शामिल करना, जिसके अंतर्गत कुल 11 सदस्य है। मानक शब्दों को शामिल करना यानी कि स्टैंडर्ड वर्ड को शामिल करना। हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये आपका विविधताओं वाला राज्य है, यहां पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहां पर भाषा चेंज हो जाते हैं। और अगर हम दिशाओं की बात करें, अगर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं की बात करें, तो हर दिशा में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है, अलग अलग प्रकार के भाषा का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पे एग्जांपल है, ये है आपका खरगोश, हिंदी हम इसको खरगोश बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ स्थान पर इसे खरिहा कहा जाता है, कुछ स्थान पर इसे लम्हा कहा जाता है और कुछ स्थान पर जो है इसे भटेलिया कहा जाता है, ठीक है। अलग 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 जगह में इसके अलग अलग नाम है, कुछ जगह पे आपका लम्हा है, कुछ जगह पर इसे जो है भटेलिया नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से जो है एक ही चीज के अलग अलग कई प्रकार के नाम है। तो ये समिति क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड वर्ड ढूंढेगी इस आपके पर्टिकुलर, जैसे हम खरगोश की बात करें तो खरगोश के लिए एक मानक शब्द ढूंढेगी, ठीक है। या तो वो शब्द आपका खरिया हो सकता है, या लम्हा हो सकता है, या भटेलिया हो सकता है, जो कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लिए कॉमन होगा। कॉमन वर्ड का चयन किया जा रहा है, मानक शब्द स्टैंडर्ड वर्ड का चयन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, देखिए, डॉक्टर अनिल भतपहरी जो कि आपके सचिव है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के, पदेन सदस्य होंगे। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, इनसे आप परिचित है, इनके काफी आपके साहित्य के नाम को भी आप पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल के वर्तमान कुलपति है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, इनसे भी आप परिचित है, ये पद्मश्री से सम्मानित और प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंगकार एवं हास्य कवि है। नेक्स्ट है डॉक्टर बिहारी लाल साहू जो कि भाषाविद है, सुधीर शर्मा जो कि भाषाविद है, डॉक्टर चित्रंजन कर भाषाविद है, श्री सिकंदर खान जो कि हलबी और गोड़ी भाषा के भाषाविद है, डॉक्टर मंगत रविंद्र जो कि वरिष्ठ साहित्यकार एवं व्याकरणाचार्य है, डॉक्टर कुसुम माधुरी टोप्पो जो कि भाषाविद है, डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित जो कि छत्तीसगढ़ कहावत
कोश के, इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक है छत्तीसगढ़ कहावत कोश, ठीक है, इन्हें भी जो है शामिल किया गया, टोटल 11 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए अगर हम भाषाओं की बात करें तो यह है हमारा छत्तीसगढ़, अगर इस छत्तीसगढ़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां से अगर हम डिवाइड करें तो यह होता है आपका उत्तर, यह होता है दक्षिण, इसको अगर डिवाइड कर दे तो इधर का पोर्शन है आपका, इधर का है पश्चिम और इधर का है आपका पूर्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ जो कि आपका भोजपुरी और कुड़ुख से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया है ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगता है, यहाँ पे जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध भाषा है वो है इसकी सरगुजिया, इसके अलावा पंडो, नगेशिया, सदरी, कोरवा, जशपुरी और सरगुजिया यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम पश्चिम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पश्चिम छत्तीसगढ़ जिसकी सीमा जो है आपके महाराष्ट्र से लगती है और आपका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से लगती है, तो यहाँ पर बुंदेली और मराठी का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है कमरी, खलटाही, मरारी और पनकी। वैसे दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा, तेलंगाना के साथ सीमा बनाता है, तो यहां पर इन द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव है, ठीक है, मराठी, उड़िया, गोड़ी भाषाओं का अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। यहां की प्रमुख भाषा यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख भाषा है वो है हल्बी। प्रचलित भाषा की बात करें तो जोगी, बस्तरी, कुदकुरी, चंदारी, धाकड़, मगरी, चिगरानी, हल्बी, ये प्रमुख भाषा है। अगर हम पूर्वी छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्वी छत्तीसगढ़ जो कि उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है, पूर्वी छत्तीसगढ़ में जो है आपका उड़ीसा से मिलती जुलती भाषा यहां पे सर्वाधिक होगा। यहां पे सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपका लरिया, आया हुआ प्रश्न है पीएससी में। इसके अलावा कलिंजर, कलंगा, बिंझवार, लरिया, चर्मशिल्प प्रमुख है। अगर हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, केंद्रीय छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है आपके मानक हिंदी यानी कि हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है, सर्वाधिक हिंदी बोलते हैं, सर्वाधिक जो इसमें यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है कवर्धा की कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, बिलासपुरी, रतनपुर, रायपुरी, ये आपके बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे शहीद लांगड़ू किस जनजाति से संबंधित है। अभी शहीद लांगड़ू कौन है ध्यान दीजिएगा, 109 साल बाद जो है इस शहीद के शव की यात्रा निकाली गई। ये जो आपके शहीद लांगड़ू ये किस जनजाति से संबंधित है, पंडो, मुंडा, नगेशिया, उराव, किस जनजाति से संबंधित है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा जो शहीद लांगड़ू है जो हाल ही में चर्चा में रहे शहीद लांगड़ू आपके नगेशिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है, नगेशिया जनजाति से संबंधित है, जिनका 109 साल बाद इंच इस शहीद की शव यात्रा निकाली गई। अब ये है कौन, थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये जो शहीद आपका लांगुड़ है, मैं बार बार लांगड़ू बोल रहा हूं, लांगड़ू नहीं लांगुड़, शहीद लांगुड़ जो है ये किस जनजाति से संबंधित है, नगेशिया जनजाति से संबंधित है, जो कि हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये किस स्थान से संबंधित है, तो वर्तमान में जो है आपके सामरी, बलरामपुर वाला जो एरिया है सामरी, वहां से संबंधित थे आपके शहीद लांगुड़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। घटनाक्रम कब का है, घटनाक्रम है आपके वर्ष 1912-13, इस समय जो है आपके इस झारखंड वाले क्षेत्र में चल रहा था ताना भगत आंदोलन। इस ताना भगत आंदोलन से प्रेरित होकर के हमारे प्रदेश के तीन आदिवासी जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कौन कौन, एक है आपका लांगुड़, दूसरा है आपका बिगुड़ बनिया और तीसरा है आपका थिथिर उराव, ये तीनों के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। अंग्रेज इन आपके तीनों के तीनों जो विद्रोही है यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे छत्तीसगढ़ के, इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। जो आपका थिथिर उराव है ये अंग्रेजों की घुड़सवार सेना के द्वारा जो है थिथिर उराव को मार दिया जाता है। बिगुड़ और आपका लागुड़ ये दोनों को कैद कर लिया जाता है। बिगुड़ को भी फांसी की सजा होती है लेकिन जो शहीद लागुड़ है इसे काफी दर्दनाक तरीके की मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके शरीर को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, खोलते हुए जो आपके तेल की कढ़ाई है उसमें जिंदा ही आपके इस लागुड़ को खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो उसकी अस्थियां रहती है, जो हड्डियां रहती है, वो एक अंग्रेजी स्कूल में उसे रख दिया जाता है। तो उस समय जो अंग्रेजों के अंतर्गत जो आपका स्कूल था वो स्कूल आज भी है जो कि एक शासकीय स्कूल बन चुका है, ठीक है। तो ये देखे, ये आज भी अभी जो है कुछ समय पहले तक इनकी जो अस्थियां हैं ये स्कूल के एक आपके विज्ञान के साइंस लैब में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रखा गया था, ठीक है। अभी तक इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। वर्ष 1982 में संत गहिरा गुरु के द्वारा प्रतीकात्मक तौर पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था लेकिन इनकी अस्थियां 109 साल यानी कि वर्ष 1912 से लेकर के अभी तक उस साइंस डिपार्टमेंट के पास मौजूद था आपके विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए। तो काफी विद्रोह हुआ और बहुत से जो है इस जनजाति के द्वारा मांग किया गया इनके अंतिम संस्कार के लिए। तो फाइनली इस आपके शहीद, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है इनका पारंपरिक तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, छत्तीसगढ़ी में एकमात्र गाना
छूट जाही अंगना दुआरी, कुछ जगह अंगना दुआरी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह अंगना अटारी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। छूट जाही अंगना दुआरी किस फिल्म के लिए गाया गया था? लता मंगेशकर जी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक गाना गाया गया था जो था आपका छूट जाही अंगना दुआरी। ये किस फिल्म के लिए था? भकला, बनिहार, अंगना या मया के चिट्ठी? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लता मंगेशकर के द्वारा जो गाना गाया गया था आपकी छूट जाही अंगना दुआरी, ये भकला फिल्म के लिए गाया गया था जो कि वर्ष 2005 में आया था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर हम नेशनल करंट अफेयर पे अगर हम चर्चा करें तो ये जो लता मंगेशकर जी है इन्हें 1969 को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, 1999 को पद्म विभूषण और 2001 में इन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये तीन डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ठीक है। स्पेशली भारत रत्न वाला कि जो लता मंगेशकर जी है उन्हें किस वर्ष आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो है आपका वर्ष 2001, ठीक। देखिए अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। ये छूट जाही अंगना दुआरी जो गाना है ये फिल्म भकला का था जो कि वर्ष 2005 में आया था। इसके निर्माता निर्देशक थे आपके दिनेश पटेल। ये जो गाना है, ये जो आपका छूट जाही अंगना दुआरी जो गाना है, ये शादी के बाद बेटी के विदाई पर आधारित है। इस गाने को लिखा था, ये जो गाना है इस गाने को लिखा गया था आपका मदन शर्मा के द्वारा, गीतकार थे मदन शर्मा। गाया गया था आपके भारत रत्न लता मंगेशकर के द्वारा, जबकि इस गाने में संगीत दिया था आपके कल्याण सेन ने। तो ये है आपकी लता मंगेशकर और ये है आपके कल्याण सेन। कल्याण सेन जिनका पिछले साल ही निधन हुआ है, ठीक है, हमारे प्रदेश के आपके प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो ध्यान दीजिएगा किस एक छत्तीसगढ़ी मूवी के लिए लता मंगेशकर जी के द्वारा गाना गाया गया, तो वो है आपका भकला फिल्म के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कितने वन उपजों की खरीदी की जा रही है? हम कितने हैं? 51, 52, 58, 61। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 61 लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है। पहले यह था आपका 52 के बाद 9 और आपके लघु वन उपजों को जो है इसमें शामिल कर दिया गया, तो वर्तमान में टोटल 61 लघु वन उपजों की खरीदी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ के द्वारा इस लघु वन उपजों की खरीदी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, इसी की एक इकाई है जिसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ हर्बल्स, जो कि पूरे प्रदेश भर से लघु वन उपजों की खरीदी करती है। लगभग अभी वर्तमान में कितना, वर्तमान में 61 लघु वन उपजों की खरीदी कर रही है और इससे लगभग आपका 150 प्रकार के अलग अलग आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था आपका 52 के बाद 9 और जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितना हो गया आपका 61। तो कौन कौन से नए हैं? हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा फूड ग्रेड, झाड़ू छिंद घास, कोदो, कुटकी काला, कुटकी भूरा, रागी, आमचूर सफेद और आमचूर भूरा, ये 9 और आपके लघु वन उपजों को शामिल किया गया है, जिसकी खरीदी आपका छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से आपका ये जो आपकी जो इकाई है इसके द्वारा की जाती है। और ये जो इकाई है 150 से अधिक प्रकार का प्रोडक्ट बना करके बेचती है आपके छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले जो है आपका कितना होता था? 52, वर्तमान में कितना हो रहा है? 61, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ कॉफी बोर्ड के द्वारा किन दो शहरों में बस्तर कैफे खोले जाने की घोषणा की गई है? देखिए, हमारे प्रदेश में जो है आपके टी और कॉफी की पैदावार बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपके छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके आपके अध्यक्ष है कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी, ठीक है। रविंद्र चौबे जो है इनके वर्तमान में अध्यक्ष है, एक्चुअली में ये पदेन अध्यक्ष है, जो कृषि मंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा बस्तर कैफे के नाम से जो आपका जो इकाई है खोले जा, किन दो शहरों में खोले जाने का प्रस्ताव है? एक है रायपुर बिलासपुर, दूसरा है रायपुर बस्तर, तीसरा है रायपुर अंबिकापुर और चौथा है आपका रायपुर दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है आपका रायपुर और नई दिल्ली, ठीक है। इन दो शहरों में हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा बस्तर कैफे के नाम से आपका इकाई खोले जाने का प्रस्ताव है। अभी कुछ समय पहले हमारे प्रदेश में जो है आपके एक जो आपके सांसद है राहुल गांधी जी, उनका आगमन हुआ था और उन्हें यही बस्तरिया कॉफी जो है उन्हें परोसा गया था और उन्हीं के सलाह पर नई दिल्ली में भी इसकी एक इकाई खोले जाने का प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। यह है आपका जो कच्चा जो कॉफी का जो पौधा होता है और उसमें जो कॉफी जो इसका जो फल होता है, ये उसकी आपका चित्र है, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में जो है ये जो बस्तर कैफे है, जो आपका ये बस्तर कैफे है, ये अभी वर्तमान में संचालित है आपके जगदलपुर में, ठीक है। जगदलपुर में जो आपका कॉफी की जो पैदावार हो रही है, वो उस कॉफी की पैदावार इसी बस्तर कैफे जगदलपुर में
इसका खपत होता है डेली, ठीक है, जगदलपुर, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी मैं केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताते हुए चल रहा हूं, डिटेल में पढ़ना है तो जो हमारी करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है उसमें जाके डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि समय कम रहता है और चीजें ज्यादा कवर करनी रहती है। तो जो चीजें मैं आपको बोर्ड पर जो बता सकता हूं, जो बोल के बता सकता हूं, उतने को सुन के रखिए। बाकी और डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो जो हमारी मैगजीन आती है उसमें आपको सारा डिटेल सारा कवर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, बड़े शहरों में मिलेगा बस्तर कॉफी का स्वाद। जो ये जो आपके जो बस्तर कैफे है, बस्तर कैफे, इसकी मार्केटिंग की जवाबदारी आपकी निजी कंपनी को दी जाएगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से इसका जो है आपका एडवर्टाइजिंग यानी कि मार्केटिंग किया जाएगा और इसका ब्रांड नेम जो है ये बस्तर के नाम से ही होगा। जो आपके छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड है उसके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2026 तक आपका 5820 यानी कि 5820 एकड़ में कॉफी की खेती किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में स्थित है, ठीक है, निर्माणाधीन है या इसका निर्माण अभी पूरा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। हमारे प्रदेश का पहला, ये कौन सा है, दूसरे की बात हो रही है, प्रदेश का जो आपका फर्स्ट पहला जो आपका सस्पेंशन ब्रिज है ये मौजूद है आपका महादेव घाट, महादेव घाट खारून नदी पर स्थित है हमारे प्रदेश का पहला आपका सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है आपका लक्ष्मण झूला, ठीक है। प्रदेश का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज और इसका भी नाम रखा गया है आपका लक्ष्मण झूला या प्रदेश का दूसरा लक्ष्मण झूला, ये कहां पर आपका स्थित है, ये मौजूद है आपका गरियाबंद राजिम में, राजिम के गरियाबंद में जो है आपका ये मौजूद है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका त्रिवेणी संगम है, महानदी, पैरी और सोंडूर तीनों के त्रिवेणी संगम पर बनाया गया है आपका ये लक्ष्मण झूला, ठीक है। ये लक्ष्मण झूला जो कि इस कुलेश्वर महादेव मंदिर और राजीव लोचन मंदिर को कनेक्ट करेगा, यानी कि राजीव लोचन मंदिर के दर्शन के लिए अगर कोई जाता है तो वो इस लक्ष्मण झूले को क्रॉस करके कुलेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, राजीव लोचन मंदिर, ये जो आपका राजीव में जो है आपका राजीव लोचन मंदिर और आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर के मध्य ये आपका लक्ष्मण झूला बनाया गया है, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है ये अभी 16 फरवरी को, यानी कि अभी आज या कल में ही इसका जो उद्घाटन आपका कर दिया जाएगा राजीव माघी पुन्नी मेला के अवसर पर। राजीव माघी पुन्नी मेला जो कि 16 फरवरी को ये शुरुआत हो रही है और इसी दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महान टू कोल माइंस, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका महान टू कोल माइंस किस जिले में स्थित है। महान टू कोल माइंस ये जो कि आपके सरगुजा है कि बलरामपुर है, सूरजपुर है कि जशपुर है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर है ये है आपके बलरामपुर में। महान टू कोल माइंस जो कि हाल ही में चर्चा में रहा आपके अवैध उत्खनन को लेकर के, जो यहाँ पे जो स्थानीय जो महिलाएं हैं उनसे अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन कराया जा रहा, तो ये चर्चा में आया, तो बस एक माइंड में रखिएगा कि महान टू कोल माइंस ये किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है आपके बलरामपुर जिले में, ठीक है। ये है आपके महान टू कोल माइंस का एक चित्र, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान किस जिले में स्थित है। ये जो हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा गौठान है उसका नाम है आपका वृंदावन, वृंदावन जो कि लगभग आपके 25 एकड़ एरिया में इसका विस्तार है, जो कि महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा, ठीक है, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा इस गौठान का सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। और जो वृंदावन जो इस गौठान का नाम है ये मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान किस जिले में स्थित है, तो वो है आपके राजनांदगांव जिले में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस रेलवे लाइन के लिए विस्टाडोम कोच का ट्रायल संपन्न हुआ, कहां पर है, पेंडर और अमरकंटक, दंतेवाड़ा, बारसूर, साजा, भाटापारा, जगदलपुर, विशाखापट्टनम, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो विस्टाडोम कोच होता क्या है, विस्टाडोम कोच जो है इसकी जो कोच है, जो ट्रेन की जो बोगी होती है उसका जो ये कांच देख रहे, जो विंडो देख रहे हैं, ये सामान्य आपके ट्रेन की जो बोगी है उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। साथ ही साथ जो उसकी छत होती है, जो टॉप होता है, वो भी आपका कांच का बना होता है और इसकी जो कुर्सियां होती है ये 360 डिग्री घूम सकती है। इसका जो ये जो आपका कोच है ये एक्चुअली में देखिए, ये जो आपका इसका ट्रायल कहां संपन्न हुआ, जगदलपुर विशाखापट्टनम के मध्य। जगदलपुर विशाखापट्टनम का जो रूट है ये यहां पर जो है प्रकृति से भरपूर है। यहां पर देखने के लिए जैसे अगर आप जाएंगे, ये जो आपका ये जो रूट है यहां पर आपका जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, एक तरफ पहाड़ों की खाई नजर आती है, कहीं पर झरना नजर आता है, तो काफी एकदम प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो जो आपके यात्री है
वो यात्रा के दौरान इन सभी जो आपके दृश्य है उसका लुफ्त उठा सके, इसके लिए जगदलपुर विशाखापट्टनम के मध्य आपके विस्टाडोम, ये जो आपके बोगी है, जो आपका बड़े कांच वाली जो बोगी है जिसमें 360 डिग्री आपके चेयर रोटेट हो सकते हैं, देखिए ये आपके जो कुर्सी है रोटेट हो गया है, ठीक है, खिड़की की तरफ, तो जो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, तो ऐसे कोच का ट्रायल कहां पर संपन्न हुआ, जगदलपुर विशाखापट्टनम रेलवे रूट में, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड, जिसे टिहरी सराय के नाम से जाना जाता है, ये किस जिले में स्थित है, देखिए ये है आपका गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड जो है ये आपका हसदेव बांगो के जल भराव क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, और जो हसदेव बांगो जो जल भराव क्षेत्र है ये आपके कहां पर स्थित है पूछा जाए, तो ये मौजूद है आपके कोरबा जिले में, हसदेव नदी में, जो हसदेव बांगो का जो जल भराव क्षेत्र है उसके बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसका नाम दिया गया है आपका गोल्डन आइलैंड। इस गोल्डन आइलैंड के बीचों बीच वन विभाग के द्वारा एक रिसोर्ट की भी स्थापना की गई है। एक्चुअली में ये जो है कुछ बड़े बड़े पहाड़ थे जो कि हसदेव बांगो के जल भराव क्षेत्र में डूबते आ गए और एक टापू का रूप धारण कर लिया है, और इसे ही नाम दिया गया है आपका गोल्डन आइलैंड, काफी चर्चा में है और इसे एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गोल्डन आइलैंड टिहरी सराय ये किस जिले में स्थित है, ये मौजूद है आपके कोरबा में हसदेव बांगो जल भराव क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट है मदनवाड़ा नक्सली हमला जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार अग्निहोत्री, शंभुनाथ श्रीवास्तव, आरपी मंडल, छबीलाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2009 में हुआ था आपका मदनवाड़ा नक्सली हमला, जिसमें आपका विनोद कुमार चौबे, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित टोटल 25 आपके जवान शहीद हुए थे, ठीक है, टोटल 25 जो है आपके शहीद हुए थे। तो इसके जो आपको जो नक्सली हमला हुआ इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसे नाम दिया गया था आपका मदनवाड़ा नक्सली हमला जांच आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। ये शंभुनाथ श्रीवास्तव जी है ये मदनवाड़ा जांच आयोग के अध्यक्ष थे, और ध्यान दीजिए ये जो आपका जांच आयोग है ये एक सदस्य था, यानी कि इसमें केवल आपके शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ही थे, ठीक, जो कि आपका ये जो मदनवाड़ा जो नक्सली हमला है इसका पूरा डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ प्रश्न आता है, ये हुआ था आपका 12 जुलाई 2009 को ये आपका नक्सली हमला हुआ था, जबकि इस जांच आयोग का गठन किया गया था 15 जनवरी 2020 को, हाल ही में इसका रिपोर्ट सौंपा गया है। इसमें जो है पुलिस अधीक्षक वीके चौबे यानी कि विनोद कुमार चौबे सहित टोटल 25 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, ठीक, इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है, एकल सदस्यीय आयोग था ये जिसका हाल ही में इसका जांच रिपोर्ट सौंपा गया है। तो आपका मदनवाड़ा नक्सली हमला जांच आयोग के अध्यक्ष जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश थे शंभुनाथ श्रीवास्तव, वो इसके अध्यक्ष थे। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ के रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, आजकल जो है पूरे डेट के साथ प्रश्न आ रहा है, इसका रिपोर्ट सौंपा गया है हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को, ठीक। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है दिल्ली के इंडिया गेट के तर्ज पर अमर ज्योति के तर्ज पर शहीदों के सम्मान में किस स्थान पर छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और इसका निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह है यहां पर मौजूद है आपका इंडिया गेट जहां पर वर्ष 1972 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस भारत पाकिस्तान युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसी इंडिया गेट में प्रज्वलित किया गया था आपका अमर ज्योति उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। वर्ष 2019 में यहां पर स्थापित किया गया है आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये जो आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसकी स्थापना 2019 में हुई और यहां पर भी जो है आपके अमर जवानों के लिए आग प्रज्वलित किया गया। ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंडिया गेट के मध्य लगभग 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। हाल ही में जो है आपका जो यहां पर जो अमर ज्योति प्रज्वलित हो रही थी उसके अग्नि को उसके आग को ला करके इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के स्मारक में जो आग प्रज्वलित हो रही है उसमें ला करके विलय कर दिया गया, जिसका काफी जो है विरोध भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है लगभग वर्ष 1972 से लेकर के अभी तक लगातार वो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसे बुझने नहीं दिया गया था। लेकिन अभी क्या किया गया कि जो इंडिया गेट के पास जो आपका अमर ज्योति जो जल रही थी उसे लाकर के युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया, ठीक है। यहां पर भी राजनीति हुई बीजेपी कांग्रेस वाला, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी के लिए क्या किया गया,
जो इंडिया गेट में स्थित जो अमर ज्योति थी उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित किया जाएगा। इसका भी केवल शिलान्यास किया गया है, अभी बनाया नहीं गया, अभी इसका निर्माण किया जाएगा, प्रस्तावित है, केवल शिलान्यास किया गया है। जो आपके राहुल गांधी जी आए थे उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, तो किस स्थान पर किया गया? चौथी वाहनी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सशस्त्र सुरक्षा बल बटालियन माना में, या पांचवी वाहिनी, या सातवीं वाहिनी, या चौदहवीं वाहिनी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है आपका चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र सुरक्षा बटालियन माना, यानी कि यह स्थित है आपके रायपुर में, रायपुर के चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र सुरक्षा बल बटालियन माना में इसका जो है आपका शिलान्यास, यानी कि इस स्थान पर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके इस इंडिया गेट में, जो आपका वर्ष 1972 में जो आपका ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी अमर जवानों के शहीदों में, उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की योजना का जो है किस तिथि में शुभारंभ किया गया? ये भी राजनीति के भेंट चढ़ा है, आगे आपको दिखाऊंगा, पहले आंसर देख लीजिए। 1 फरवरी 2022, 3 फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022। तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 2022 को जो है आपके इन दोनों योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब, ये दोनों का शुभारंभ किया गया। देखिए, ये जो आपका राजीव युवा मितान क्लब है ना, इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 18 सितंबर 2021 को ही इसका शुभारंभ कर दिया गया था। जिन किसी ने भी हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का मैगजीन खरीदा है, उसमें मैंने यही डेट मेंशन किया है, उस समय न्यूज़ में आया था, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में आज भी वो डेट मौजूद है, ठीक है, दिखाता हूँ आगे आपको। लेकिन कोई भी दल हो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो या चाहे आपका कांग्रेस हो, अपने हायर अथॉरिटी के लिए, ठीक है, अपने सुप्रीम को खुश करने के लिए एक ही योजना को दो बार लागू कर देंगे, ठीक है, तो वो डेट को चेंज कर लीजिएगा। आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, देखिए ये है आपके छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे डेट मेंशन है आपका 18 सितंबर 2021, क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने किया राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ, कब किया है, 18 सितंबर 2021 को, लेकिन वही अपने सुप्रीम को खुश करने के लिए दोबारा शुभारंभ कर रहे हैं, तो डेट चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ राजीव युवा मितान क्लब, जो कि इसका इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक संस्कृति मूल्यों व व्यक्तित्व विकास के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, शुभारंभ का डेट क्या होगा, 3 फरवरी 2022 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका डिटेल देखिए, ये जो आपका राजीव युवा मितान क्लब है, इसमें क्या है, आपके ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से, इस डाटा को याद रखिएगा, 13,269 क्लबों की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार जो है आपका रिपीट होगा, ठीक है, इतने क्लबों की स्थापना की जाएगी, जिसे जो है प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप मिलेगी। या तो अगर प्रति वर्ष पूछ रहा है, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष पूछ रहा है तो प्रति वर्ष कितना, 1,00,000, लेकिन अगर वही अगर तिमाही आधार पर पूछ रहा है, तिमाही आधार पर, तो तिमाही आधार पर 25,000 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। वही मतलब है, 25,000 चार बार करके देंगे तो भी 1,00,000 होता है, लेकिन प्रश्न में पूछेगा क्या उसको ध्यान दीजिएगा, अगर 1,00,000 अगर प्रतिवर्ष पूछ रहा है तो हर क्लब को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, अगर तिमाही आधार पर पूछ रहा है तो तिमाही आधार पर कितना, 25,000 रुपए, ठीक है। इसमें जो है आपका जो ये युवा मितान क्लब है, इसमें 15 से लेकर 40 वर्ष आयु वर्ग के जो युवा है इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक क्लब में जो सदस्यों की संख्या है वो 20 से 40 होगी अधिकतम, न्यूनतम 20, अधिकतम 40, जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसे याद करते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना। अब ये क्या है, ऐसे लोग या ऐसे ग्रामीण जो कृषि कार्य में तो संलग्न है लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, यानी कि भूमिहीन। जैसे आप सुने होंगे कि बहुत से लोग खेती कार्य में संलग्न है, किसी और के खेत में अध्याय लेकर के दूसरे के खेत में खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन है कृषक वो, तो उन लोगों के लिए आपके राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई, और ऐसा करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है ये जो आपके भूमिहीन जो कृषक परिवार है, इन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान
की जाएगी। इसका पंजीयन भी स्टार्ट हुआ था, पंजीयन डेट को याद रख सकते हो, याद रख लीजिएगा, 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि परिवार जो है इससे लाभान्वित होंगे और सीधे इनके अकाउंट में अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये जो आपका भूमिहीन किसान न्याय योजना है इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिए, ये जो आपका भूमिहीन किसान न्याय योजना है इसके अंतर्गत आपके जैसे कि लुहार हो गए, लुहार, धोबी, ठीक है, धोबी, मोची, इस प्रकार के लोग, यानी कि जो आपके किसी, मतलब कैसा बोलना चाहिए, ग्रामीण ऐसे लोग जो कि कृषि कार्य में संलग्न है, पेशे से तो मोची भी है लेकिन द्वितीयक तौर पर कृषि कार्य भी करते हैं, खेती का कार्य करते हैं लेकिन स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, तो आपका धोबी हो गया, लुहार हो गया, मोची हो गया, चम्हार हो गया, ऐसे लोगों को जो है आपका इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 जिसका भी हाल ही में मेगा ऑक्शन हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ के किस एक प्लेयर को खरीदा गया, ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में जो है आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हुआ जिसमें खिलाड़ियों को खरीदा गया अलग अलग मूल्य पर। हमारे प्रदेश में जो है आपके टोटल 20 खिलाड़ियों ने इसके लिए आवेदन किया था जिसमें से 5 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए थे इस ऑक्शन के लिए। कौन कौन थे? अमनदीप खरे, हरप्रीत सिंह भाटिया, शुभम सिंह, अजय मंडल और आपका शशांक सिंह। इसमें से किन्हें खरीदा गया है ध्यान दीजिएगा, किन्हें खरीदा गया है? हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह या अजय मंडल? तो आंसर है आपका शशांक सिंह, ध्यान दीजिएगा। हमारे प्रदेश के जो आपके ये जो खिलाड़ी है आपके शशांक सिंह, इन्हें आपके इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में इन्हें खरीदा गया है आपके सनराइजर हैदराबाद के द्वारा। सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद की टीम के लिए ये खेलेंगे, ठीक है, जिन्हें जो है 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पे खरीदा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किन्हें खरीदा गया? शशांक सिंह को, बाकी ये चार को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 को 21 जो है किस तिथि को लागू हुई या फिर आपके राजपत्र पर प्रकाशित हुई, तो वो तिथि को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस तिथि से प्रश्न आता है। 2 फरवरी 2022, 4 फरवरी 2022, 6 फरवरी 2022 या 8 फरवरी 2022? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है आपके 4 फरवरी 2022 को ये लागू किया गया। ये काफी डिटेल में है और इसमें मेन आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आएगा। हमारा जो करंट अफेयर का मैगजीन आया है अभी जो, वो करंट अफेयर के मैगजीन में पेज नंबर 89 में काफी टेबल बना के अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है। उतना एक्सप्लेन करने का भी यहां पर समय नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, 4 फरवरी को ये लागू हुआ, ये पारित हो गया था आपके 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2021 को ये पारित हो चुका था। ठीक है, लेकिन ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ या लागू हुआ पूछा जाए तो 4 फरवरी 2022 को ये लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के परेड में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, चार है, चार में से किसे चुना गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले पोजीशन पर आपका चुना गया है किसे, उत्तर प्रदेश को, सेकंड नंबर पर है आपका कर्नाटक, थर्ड नंबर पर है आपका मेघालय, हमारे छत्तीसगढ़ को कोई पुरस्कार नहीं मिला। हमारे छत्तीसगढ़ के तरफ से आपके गोधन न्याय योजना जो है, छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना, इसे झांकी के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, देखिए यह है गोधन न्याय योजना जिसमें महिलाएं जो है सिर पे गोबर लेकर के आगे की ओर चल रही है, बीच में आपका गाय है, ठीक है, पीछे तरफ जो महिलाएं हैं वो आपके पारंपरिक कार्य में लगी हुई है, इधर वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश को जो झांकी था आपके काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपका पुरस्कार प्रदान किया गया इस गणतंत्र दिवस की झांकी में। तो किसे प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए।